टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय व्यूज ऑन इंडियन नेशनलिज्म। का तो खत्म हो गया आज तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का होगा। यस यस बंकिम चंद्र वही मैं बोल रही हूँ बंकिम चंद्र। ओके नाउ बंकिम चंद्र चैटर्जी He was born, मैं इंट्रोडक्शन में लंबा वो नहीं जाऊंगी, लेटर ऑन अगर टाइम मिलने से थोड़ा वो होगा। ओके द मेन पॉइंट्स ही मैं डिस्कस करूंगी। सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही वॉज बॉर्न इन 27 June 1838। ही वॉज बॉर्न इन 27 June 1838 इन अ ब्राह्मण फैमिली। ओके ही वॉज बॉर्न कुलीन इन कुलीन परिवार एलिट वी कैन ऑल्सो से एंड एंड ना ब्राह्मण फैमिली एंड ही वॉज बॉर्न इन कहाँ पर वो इन 24 परगना का जो हुगली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ में उसका जन्म हुआ। एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के हम स्पेसिफिकली वी रिमेम्बर बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द बंगाली लिटरेचर। बंगाली लिटरेचर ही रोट एक्सटेंसिवली एंड ही रोट 14 अबाउट 14 नॉवल्स। ही ऑल्सो रोट मेनी बुक्स विच इज सीरियस ऑन समथिंग सीरियो कॉमिक ऑल्सो सैटरिकल टाइप्स ऑफ बुक और एंड ऑल्सो द साइंटिफिक एंड क्रिटिकल ट्रीटाइजेस। ओके इन बंगाली ही एक्सटेंसिवली रोट एंड कंट्रीब्यूटेड टू द बंगाली लिटरेचर एंड ही ऑल्सो नोन एज द साहित्य सम्राट। ओके सो बिकॉज ऑफ हिज सच कंट्रीब्यूशन वास्ट कंट्रीब्यूशन स्पेशली इन बंगाल एंड बंगाल्स लिटरेचर इज अ की फिगर इन लिटरेरी रेनेशा ऑफ बंगाल। बंगाल का जो भी लिटरेरी रेनेशा साहित्यिक नवजागरण जो हुआ था उसका वो ही वॉज इम्पोर्टेंट की फिगर। ओके एंड एज वेल एज इंडिया एज अ होल। Now the way he wrote, जिस तरह का वो लिखते थे it was like different or it was you can say the break away from conventional writing। उस वक्त जो लिखने के प्रक्रिया जिस तरह के थे उसको तोड़ के वो अपना एक अलग प्रकार से he wrote and so his writings, okay, his writings inspired many others authors writers and not only in Bengal but also across the India. Even we know the Sir Aurobindo called him a seer and a nation building. Aurobindo kya bolte the usko, seer means who can say the who can predict the future mein kya ho sakta hai and or prophet jisko hum bolte and also nation builder bolke Aurobindo called him. Okay and we all know that the poem we all heard this one, no, Vande Mataram, which is the national song of India, is it Vande Mataram? So originally it was written in Bengali and it was included in his novel that is Ananda Math. Ananda Math mein Vande Mataram jo song likha gaya hai, this song played a very important role in the freedom struggle of India. Bharat ke jo swadhinta movement the usme Vande Mataram song ne bahut bahut andolankari ya nationalist ko inspire kiya hai is song se. Even still now इस सॉन्ग का इन्फ्लुएंस अभी इन प्रेजेंट सिनेरियो और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी वी कैन फील लाइक आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर इसको और वो करते हैं। ओके सो द वंदे मातरम सॉन्ग जो है पास्ट में ड्यूरिंग द स्ट्रगल मूवमेंट एज वेल एज द प्रेजेंट में भी इट वॉज क्वाइट इफेक्टिव। सो just a second, okay? Okay, so
वंदे मातरम सॉन्ग जो है वो अभी तक स्टिल इफेक्टिव है. ओके सो एज आनंद मठ, आई होप तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा. ओके आनंद मठ इट वॉज अ नोवल इंस्पायर्ड बाय एंड सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ क्या बोलते हैं सन्यासी रेबुलियन. सन्यासी रेबुलियन में ब्रिटिश उस ड्यूरिंग दैट टाइम जो सन्यासी जो होते थे दे पिलग्रिम्स जो होते थे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते थे एंड जमींदार हो या द पीपल से उन लोगों को भिक्षा या कुछ ऐसे दान मिलते थे जिसके द्वारा ही वो लोग वो करते थे. लेकिन ब्रिटिश की कुछ ऐसे पॉलिसी के कारण इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर दिस सन्यासी कि उसको सो इसी कारण इसी कुछ ऐसे कारण से वहाँ पर द सन्यासी रिवोल्यूशन हुआ था और उसी के बैकग्राउंड में उसी को वो करके द आनंद मठ इट वॉज रिटर्न. ओके हम उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे. सो द वंदे मातरम जिसमें क्या इस सॉन्ग में क्या किया गया है कि मदर मदर इंडिया को फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया को जो एक भारत को एक मदर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है एंड सो इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दिस वॉज द फर्स्ट सॉन्ग जो टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर ने जो 1896 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था ये सॉन्ग उसने गाया था. ओके सो एनीवे सो दिस सॉन्ग बिकेम पॉपुलर फॉर पॉलिटिकल एक्टिविज्म. पॉलिटिकल एक्टिविज्म मींस पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए ये सॉन्ग एकदम क्या हुआ पॉपुलर हो गए. एंड एज आई सेड लास्ट में यहाँ तक हुआ कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे बैंड दिस सॉन्ग. ओके सो नाउ द हिज पॉलिटिकल व्यूज. अब हम लोग उसका बंकिम चंद्र चटर्जी का पॉलिटिकल व्यूज स्पेशली नेशनलिज्म के ऊपर क्या है दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस. So Bankim Chandra Chattopadhyay, he was the pioneer of nationalism in India. Bharat mein jo rashtravad ka shuruaat hua, rashtravad feelings ka jo ya patriotic feelings jo patriotism jo shuru hua, it was regarded ki the Chattopadhyay ya Bankim Chandra he was the pioneer. Okay, because before his writings. बंकिम चंद्र के लेखन के आगे जो नेशनलिज्म फीलिंग्स था इट वाज नॉट द ऑल इंडिया फेनोमेना. दैट मीन्स सभी भारत में एक ही प्रकार का उस तरह का राष्ट्रवाद का भावना उस वक्त नहीं था. ओके बट द बंकिम चंद्र का जो राइटिंग्स ने सबको इन्फ्लुएंस इंस्पायर किया एंड ऑल्सो द इंडियन नेशनलिज्म को भी एज अ होल इंडिया का एक फेनोमेना के रूप में इट्स डेवलप किया. ओके सो एंड द आनंद मठ हिज नोवल विच वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पोलिटिकल नोवल रिटन इन इंडिया. एक जन स्कॉलर है या हिस्टोरियन मीनाक्षी मुखर्जी ने अकॉर्डिंग टू मीनाक्षी मुखर्जी की ये जो आनंद मठ नोवल है ये एक फर्स्ट इस राजनीतिज्ञ या राजनीतिक संबंधित या एक पॉलिटिकल नोवल है. ओके उस वक्त लिखा गया. सो और इसमें जो वंदे मातरम पोएम था इट्स बिकेम वेरी पॉपुलर एंड इंस्पायर्ड मेनी फ्रीडम फाइटर्स. ओके to fight against the British for the freedom. So Bankim Chandra he was a Hindu revivalist. Hindu revivalist means Hinduism ko ya Hindu religion ya Hindu tradition ko wo revive karna chahte the. Okay lost jo hua hai jo he thought ki present us waqt situation mein under the British rule India ka jo bhi Hindu tradition hai Hindu culture hai ya Hindu glorious jo ek past tha wo present mein kya hua it was lost. So he want to revive ki Hinduism ka ya culture ka wo glory
को रिवाइव करना चाहते थे. ओके एंड एंड ही अटेम्प्ट टू अवेकन द कंट्री, दैट मीन्स इंडिया का मासेस जो थे, भारत का जो साधारण जनमानस थे, उसके मध्य अमंग देम वो क्या करते थे, एक अवेयरनेस, जागृति लाना चाहते थे. ओके सो व्हाट ही डिड, ही ब्लेंड द नेशनलिज्म एंड द रिलीजियन. ओके चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र ही कंबाइन किया नेशनलिज्म एंड द रिलीजियन को. एंड सो किस तरह से ही रिलीजन को और नेशनलिज्म एक फीलिंग्स को एक ही साथ में लेके लेके गया बंकिम चंद्र ने. उसने क्या किया कि पहले जो जो राइटिंग्स में जो होते थे, ही फोकसेस ऑन द पास्ट इंडियन कल्चर और द हिस्ट्री, भारत का जो भी इंडियन हिस्ट्री था या कल्चर था, जो बंकिम चंद्र के अकॉर्डिंग इट वाज वेरी ग्लोरियस था. ओके इट वाज वेरी डेवलप्ड था. ओके तो उसको उसमें अपने राइटिंग से फोकस करके क्या करते थे और उसको प्रेजेंट में उसको क्या रिवाइव. ओके प्रेजेंट में उसको रिवाइव करके फ्यूचर्स के लिए उसने क्या किया, एज्यूम करने की चेष्टा की अपने लेखन के द्वारा. एंड सो किस तरह से नेशनलिज्म एंड रिलीजन को कंबाइन किया, एज वी नो दैट द नेशन, इट वाज अ बंकिम चंद्र जिसने भारत एक देश को एक मदर के रूप में प्रेजेंट किया, एज वेल एज मदर के रूप में साथ साथ उसमें क्या एक रिलीजियस फिगर्स भी यूज किया, लाइक भारत माता का रूप, जैसे कि 10 हाथ, लाइक द फिगर्स ऑफ गॉडेसेस लाइक काली एंड दुर्गा, जो अभी भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम इंडियन इंडिया का जो हम लोग इमेज, ओके मदरलैंड का जब भी हम लोग इमेज हम लोग करते हैं, वी यूज दिस फिगर, दैट मीन्स हम लोग एक लेडी मदर, ओके लाइक अ गॉडेसेस. सो इट वाज बंकिम चंद्र, he used the figure, religious figure of Durga or Kali to represent, to view India or to view nation. So likewise he blend the nationalism and the religion also. Okay so it was his writings or his contribution ki jo nationalism ka jo feelings hota hai, it rose to the लेवल ऑफ रिलीजन, दैट मीन्स राष्ट्रवादी एक धर्म के रूप में या धर्म जैसे के उसमें प्रतीक में रोज हुआ, यानी डेवलप हुआ. सो इट इज ऑल्सो सेड कि जब उस वक्त व्हेन ही रोट द आनंद मौत इन द सॉन्ग वंदे मातरम, उस वक्त ये भी कहा जाता है कि जो आंदोलनकारी थे, ओके जो आंदोलनकारी इतना इंस्पायर है, इतने इन्फ्लुएंस थे उसके लेखन, उनकी लेखन के कारण कि दे यूज टू कैरी भगवत गीता के साथ साथ रिवॉल्वर एंड द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम. इतना प्रभाव था उस राइटिंग्स का एंड उस सॉन्ग्स का आंदोलनकारी मध्य, मतलब सो इट इज ही हु फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ही हु ब्लेंड द रिलीजन एंड द नेशनलिज्म. नाउ सेकेंड थिंग इज दैट ही यूज द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरियोसिटी. ओके जब लेखन में, और जैसे कि हम लोगों ने कहा कि हिंदू रिवाइवलिस्ट, वो हिस्ट्री को रिवाइव करना चाहते थे ना, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर. सो ही यूज द मेथड ऑफ हिस्टोरियोसिटी. हिस्टोरियोसिटी मीन्स अपने लेखन में वो जो भी लिखते थे, इट वॉज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री और बेस्ड ऑन द फैक्ट जो थे. ओके सो और उसके आधार पर ही द ही फॉर्मुलेट the idea of nationalism. okay nationalism ko develop karne ke liye ya nationalism idea ko aur wo karne ke liye his writings were
or we can say are based on the historicity. That means it was based on the past history of India. Okay, so he knew, वो he was fully aware, उसको एकदम fully aware था कि अगर राष्ट्रवादी भावना को okay regenerate करना है, राष्ट्रवादी भावना को अगर फिर से उत्पन्न करना है तो क्या है कि जो साधारण मानिस जो साधारण पीपल है okay जो मासेस है उन लोगों का attention कहाँ पे लेके जाना है, past history या इंडिया का जो golden age हुआ करते थे okay उस imagine past में लेके जाना जरूरी है, तभी जो उस पास में लेके जाना जरूरी है, तभी हम द नेशनलिस्ट फीलिंग्स इट कुड बी रीजेनरेट. और जो ग्लोरियस था, जो ग्लोरियस पास्ट था, दैट मींस इमेजिन्ड ग्लोरियस पास्ट जो था, यानी इंडिया का गोल्डन एज जो था, जो उस समय ड्यूरिंग द आंदोलन के समय फ्रीडम अंडर द ब्रिटिश जो था वो इट वॉज डीजेनरेट हुआ था, वो ऑलमोस्ट लॉस्ट हुआ था. अब उसको और से रीजेनरेट करने के लिए हिस्ट्री में क्या करना है, साधारण मासेस का ध्यान आकर्षित करना इज इम्पोर्टेंट. ओके, एंड सो टू हिम द ग्लोरियस पास्ट मेमोरीज, जो ग्लोरियस पास्ट का मेमोरी से इट्स अ वेरी मच इफेक्टिव, क्यों, इन जेनरेटिंग द नेशनलिस्ट फीलिंग, राष्ट्रवादी भावना को उत्पन्न करने के लिए पास्ट में जाना, पास्ट को देखना, पास्ट के इंडियन कल्चर को देखना, उस पास्ट की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि द प्रेजेंट सिचुएशन उस समय वॉज देन वेन समय द ऑल थिंग्स इट वॉज डी generated. Okay, so now इसके अलावा भी according to Bankim Chandra, भारत में उस समय when the under the British rule जो था, he also point out the reason about the lack of nationalist feeling. Okay, he उसने according to him बंकिम चंद्र के अनुसार भारत में राष्ट्रवादी भावना का ना होने का दो कारण है. फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड दैट बिकॉज हिंदू जो है, हिंदूज पीपल, हिंदूज जो है यानी दे टोटली इग्नोर्ड देयर ओन हिस्ट्री, अपना इतिहास को नेग्लेक्ट करने के कारण, अपने इतिहास को इग्नोर करने के कारण क्या हुआ, नेशनलिस्ट फीलिंग्स में भी क्या आया, इट्स अ लैक हुआ. ओके, एंड बिकॉज द हिंदूज दे हैव नॉट बीन सीरियस इन द राइटिंग्स ऑफ देयर ओन हिस्ट्री, द पीपल ऑफ हिंदूज दे आर नॉट सीरियस, मतलब अपने इतिहास को, अपने पास्ट को लिखने, नोट डाउन करने रिलेटेड दे वर नॉट वेरी मच सीरियस. ओके, एंड लेकिन बंकिम चंद्र के लिए हमें द जो भी इंसिडेंट हो, पास्ट इंसिडेंट को क्या करना, रेफरेंस करना, एंड उसका इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन एंड टू इन्वोक अ फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस टू नेशन, नेशन के प्रति जो अपनापन को क्या करना, उत्पन्न कराने के लिए, अपनापन को वो जगाने के लिए, हाँ, और अपना खोआ हुआ ट्रेडिशन को इन्वेंट करने के लिए जो भी हिस्ट्री है वो इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट द हिंदूज मीन्स द इंडियन पीपल, दे इग्नोर देयर ओन हिस्ट्री. ओके, और कंपेयर किया बंकिम चंद्र ने यूरोपियन या वेस्टर्न्स के साथ, कंपेयर किया कि यूरोपियंस इतने अपने हिस्ट्री को इतना महत्व देते, अपने पास्ट को इतना महत्व देते कि यहाँ तक ये है कि जब वो क्या जाते थे कि जब इवन दे वेंट फॉर द शूटिंग ऑफ बर्ड, ये मेंशन किया, जब वो एक पक्षी को भाई अगर मारने जाते है तो दे नोटेड डाउन,
okay, they write about that things, okay, so the each and every event European जो people है western people जो है वो each and every event वो क्या करते हैं they write, okay history एक कोई भी event का history वो लिखते हैं, लेकिन भारत में ये ना होने के कारण ये ना होने के कारण क्या है कि इंडिया में नेशनलिस्ट फीलिंग्स नहीं है या नेशनलिस्ट फीलिंग्स लैक करते हैं, लेकिन यूरोपियंस दे रोट ईच एंड एवरी इवेंट, दे रोट द हिस्ट्री ऑफ ईच एंड एवरी मोमेंट. सो द हिस्ट्री राइटिंग्स फॉर इंडियन वॉज नेसेसरी, एकदम जरूरी है इतिहास लिखना, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो द ब्रिटिशर्स जो है दे उन लोगों ने डिस्टॉर्टेड किया इंडियन हिस्ट्री का, उन लोगों ने अपने ही तरीके से इंडिया को इंडियन हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया और उसको पूरा डिस्टॉर्टेड या डिग्रेडेड रूप में इंडिया को प्रेजेंट किया. क्यों? क्योंकि बिकॉज द इंडियन पीपल दे इग्नोर हिस्ट्री राइटिंग, इसीलिए यूरोपियन हिस्ट्रियन ने इन लोगों ने लिखा और इंडिया को डिग्रेडेड करके प्रेजेंट किया. ओके, सो हिस्ट्री राइटिंग फॉर इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू मेक देम अवेयर ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ नेशन, एक नेशन की महानता को दिखाने के लिए हिस्ट्री राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एसेंशियल और इट इज रिक्वायर्ड टू राइट इवन द स्मॉल इवेंट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू Bankim Chandra. And ये तो हुआ. The second thing is that कि he also viewed that the British या European British people या European people जो थे वो क्या करते थे, उन लोगों का power जो थे, सामर्थ्य जो थे, they lies in their material and civilization progress. मतलब जिस तरह से भौतिक और सभ्यता से वो लोग प्रोग्रेस डेवलप कर रहे थे, वही कारण है द ब्रिटिश पीपल दे बिकेम पावरफुल. ओके, बिकॉज द वेस्टर्न जो पीपल जो होते हैं या वेस्टर्न कल्चर जो है इट वॉज बेस्ड ऑन द रीजन एंड द नॉलेज. ओके, और ये जो नॉलेज और जो रीजन है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स of historicity or science and the rationality, जिसके कारण वो किसी अन्य कल्चर से, किसी भी दूसरे कल्चर से या दूसरे जाति से क्या हुआ, दूसरे जाति से they became superior. That's why the Indian वो भी क्या हुआ, subjugated हुआ because of the superiority or because of the power of the British. ओके, बट इंडियन क्या है कि इंडियन दे इवन दे इग्नोर देयर ओन हिस्ट्री और इवन दे वर नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट द अदर लाइक नॉलेज साइंस एंड ऑल्सो द मेटेरियल्स प्रोग्रेस. ओके, सो एंड ही मूव अहेड, मतलब बंकिम चंद्र ने भारत सब्जुगेटेड होने का कारण, यानी भारत दूसरे के द्वारा शासित होने का दो कारण बंकिम चंद्र ने उल्लेख किया. दो कारणों की वजह से भारत ब्रिटिश के अंदर में रह रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि भारतीयों के बीच में भारत, अगर ये लिंक टाइम ऑफ हुआ तो मैं दूसरा लिंक आई एम सेंडिंग. ओके, द फर्स्ट रीजन दैट इंडिया was subjugated nation, yani was the first ki Indian people they lack the natural desire for liberty. भारतीय के बीच में एक स्वतंत्रता के लिए या ऑटोनॉमी के लिए क्या है, एक प्राकृतिक जो इच्छा होता है ना वो लैकिंग है, वो नहीं है. जो है फर्स्ट कारण, भारत दूसरे द्वारा, दूसरे देश द्वारा या दूसरे पावर द्वारा शासित होने का कारण. ओके, द सेकेंड इज द लैक ऑफ सोलिडारिटी. दूसरे कारण क्या है कि भारतीय के बीच में सोलिडारिटी नहीं है, स्पेशली द हिंदूज के बीच में क्या है, सोलिडारिटी नहीं है और
और नेशन के प्रति उन लोगों का नेशन के हित के लिए उन लोगों का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू बंकिम चंद्र. फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि द इंडियन दे लैक द नेचुरल डिजायर फॉर ऑटोनॉमी. सेकेंड लैक ऑफ द सॉलिडारिटी, लैक ऑफ सॉलिडारिटी अमोंग द इंडियन पीपल स्पेशली हिंदूज, और जो नेशन के हित के बारे में दे did not think. Okay, so the end और उसको और explain करने की कोशिश किया है किस तरह से भारतीय के बीच में natural desire नहीं है, स्वतंत्रता के लिए कुछ चाहना नहीं है, इसको और explain करने की he tried कि before according to him the before the जब ब्रिटिश आए उससे पहले भी इंडिया को बाहर आक्रमण बहुत फॉरेन पावर्स ने अटैक किया. ओके, सो एक्सटर्नल कंक्वेस्ट हुआ. और ये क्यों हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ द कल्चरल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन, क्योंकि इंडियन के बीच में वो ये सब सॉलिडारिटी, नेशन के हित के प्रति एकजुटता होना, ये लैकिंग था. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि व्हेनेवर देयर वाज द एक्सटर्नल कॉन्क्वेस्ट, जब भी एक्सटर्नल अटैक होते थे द इंडियन आइडेंटिफाइड देमसेल्फ विद द रूलर. ओके, जब तक वो रूलर क्या करते थे इंडियन के बीच में क्या होता था हेल्पफुल या फेवरेबल होता था, तब तक इंडियन पीपल जो है वो प्रोटेस्ट नहीं करते थे. बाहर से जितना भी आक्रमणकारी आए, अगर वो आक्रमणकारी का गवर्नमेंट, जैसे कि स्पेशली अगर हम लोग देखें कि बाबर बाहर से आए लेकिन बाहर में अपना एक डायनेस्टी इंडिया में स्थापित किया, इंडियन पीपल जो है स्पेशली हिंदूज या टॉकिंग अबाउट द हिंदूज, तो बाबर का या मुगल डायनेस्टी के अगेंस्ट में खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन पीपल क्या करते थे उस रूलर के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते थे, क्योंकि वो रूलर क्या थे, वो शासक क्या थे, इंडिया के लिए वो दे वर हेल्पफुल और फेवरेबल थे, इसलिए दे डोंट उस वक्त दे डिड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट वन. ओके, सो इट्स बेटर टू बी इन सब्जुगेशन देन टू बी इंडिपेंडेंट. सो द इंडियन पीपल, एंड अगर बंकिम चंद्र के वर्ड से कहे तो हिंदू पीपल, दे उन लोगों ने दूसरे द्वारा शासित होना ही बेटर समझा, ना कि इंडिपेंडेंस के कंपेयर टू वो लोग शासित होना ही बेटर समझा. तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि द इंडियन पीपल दे डोंट हैव द डिजायर फॉर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि there are so many examples. Okay, and so it is also that because of this ki India more than thousands of years kya hua the people, majority of people they lived without the feelings of liberty aur is bhavana ke bina hi wo reh rahe the. Okay, so this is the first reason. Second reason is, as I said, it was the lack of the solidarity, lacking of the solidarity कि भारत दूसरे द्वारा, भारतीय दूसरे द्वारा subjugated या दूसरे द्वारा शासित ही रह पाए. ओके, सो नाउ ये एक एक्सप्लेनेशन किया कि इंडियन के बीच में नेशनलिज्म पे फीलिंग क्यों नहीं था, लिबर्टी के लिए क्यों वो नहीं था. Now the Bankim Chandra through his writing, okay, apne lekhan ke dwara he want to recover original and objectivity of history of India. Us history ko revive karna chahte the jo ek glorious tha, and jahan par kyunki he knew that time ki jo India ka jo bhi strength hai, real jo strength hai wo kahan hota hai, uska India ka cultural and spiritual superiority. Okay, भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक superiority में ही भारत का real strength पाया जाता है. So he knows that one, and also and which is reflected in its original and authentic
history, and also that the he also fully aware that the culture of India jo hai, he was capable of being reformed in order to prepare it for the real world politics. और इसी के उद्देश्य के कारण जो अपने लेखन में उस कल्चर को रिवाइव करना चाहते थे, उस नेशनलिस्ट फीलिंग को रिवाइव करना चाहते थे बंकिम चंद्र. ओके, सो सो इट वॉज बंकिम चंद्र हु थियोराइज सिस्टमेटिकली थियोराइज नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को सिस्टमेटिकली थियोराइज करने वाले प्रथम व्यक्ति ही कौन थे, बंकिम चंद्र थे. ओके, एंड ही आल्सो नो बट यहाँ पर द बंकिम चंद्र ही वाज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज उसका जो भी एक्सप्लेनेशन था इट वाज ओनली फोकस ऑन द हिंदूज, ही डिड नॉट टॉक अबाउट द अदर माइनॉरिटीज in India, like Hindu ki alawa bhi there was the Muslims, there was the Parsis, there was other communities jo the uske bare mein he hardly talk. Okay, so Bankim Chandra ko criticize kiya gaya hai ki he was only focusing aur uska jo bhi wo tha wo it was sirf Hindus ke bare mein he talked about. Okay, now but the credit, but the credit goes to him because it was he, वो बंकिम चंद्र थे जिसने भारतीय cultural backwardness को क्या किया, expose किया and also expose किया and also not that he also contributed for the revival, India का जो भी revival during that time जो कल्चरल रिवाइवल हो या उसमें भी ही वॉज क्रेडिटेड फॉर दैट. ओके, एंड ही वॉज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर क्रिएटिंग न्यू रिलीजन दैट इज नेशनलिज्म. ओके,